स्पाइडरमैन नो वे होम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ऐसी पहली मूवी होने वाली है जिसमें हमें लिटरली मल्टीवर्स दिखेगा। मतलब ये ऐसी मूवी होने वाली है जिसमें अलग अलग टाइमलाइन से लोग करंट टाइमलाइन में आएंगे। अब वो लोग अच्छे भी हो सकते हैं और मोस्टली जैसा हमने ट्रेलर में देखा बुरे भी। ट्रेलर को देखने से हमें बहुत से कैरेक्टर्स के बारे में पता चल गया जैसे इलेक्ट्रो, सैंडमैन, ग्रीन गॉब्लिन और डॉक्टर ऑक्टोपस। लेकिन क्योंकि इस मूवी में मल्टीवर्स हो रहा है तो अलग अलग लोग अलग अलग टाइमलाइन से आएंगे तो हमें और भी कैरेक्टर देखने को मिल सकते हैं और आज हम उन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो हर टाइमलाइन का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। अगर हम स्पाइडरमैन की पहले की मूवी देखें तो कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो पहले अच्छे थे फिर बुरे बने और लास्ट में अच्छे बनकर मर गए, जिसका मतलब ये है कि एक कैरेक्टर के तीन वेरिएंट बन गए अलग अलग टाइमलाइन पे। और ऐसे कैरेक्टर्स की नो वे होम मूवी में आने की चार पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन इन चार पॉसिबिलिटीज पे जाने से पहले हम बात करते हैं कैरेक्टर के बारे में। कैरेक्टर का नाम है हैरी ऑसबॉर्न जो कि ग्रीन गॉब्लिन के बेटे थे और पीटर के बेस्ट फ्रेंड, जिनके पूरे स्पाइडरमैन यूनिवर्स में हमें तीन वेरिएंट दिखे। पहला जब वो पीटर के दोस्त थे, दूसरा जब उन्हें अपने पिता की मौत बदला लेना था पीटर को मारकर, और तीसरा जब उन्हें अपने पिता की सच्चाई का पता चला और उन्होंने अपनी पावर का सही इस्तेमाल किया। तो अब बात करते हैं उन चार पॉसिबिलिटीज की। नो वे होम के ट्रेलर में हमें ग्रीन गॉब्लिन की हंसी सुनाई थी और उनके पंपकिन बॉम्ब दिखे, जिसका मतलब ये है कि वो उस टाइमलाइन से आए हैं जहां पे ग्रीन गॉब्लिन जिंदा है और हैरी पीटर का फ्रेंड है बिना किसी एक्सपेरिमेंट के। तो अगर उसी टाइमलाइन से हैरी मूवी में आता है तो वो पीटर की हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम पे हैरी ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि उसके फादर लोगों को मारते हैं ग्रीन गॉब्लिन बनकर। सेकंड केस के लिए हमें ट्रेलर में दिख रहे हैं सैंडमैन पीटर को मारते हुए, तो अगर इस टाइमलाइन से हैरी आता है तो वो पीटर का पूरा साथ देगा अपनी पूरी पावर से, क्योंकि सैंडमैन ट्रेलर में बड़े फॉर्म में है जैसा हमें स्पाइडरमैन 3 में दिखा था और उस टाइम पे भी हैरी ने पीटर का साथ दिया था। लेकिन अगर ऐसा होता है कि इस टाइमलाइन से लोग आ रहे हैं तो हमें एडी ब्रोक यानी कि वेनम भी दिखेंगे, और शायद ऐसा हो भी रहा है क्योंकि सारे लोग अभी कंफ्यूज है कि ट्रेलर में दिखाया गया वो वेनम है या फिर लिजर्ड। और अगर वेनम आएगा भी तो पीटर इस बार हैरी को मरने नहीं देगा क्योंकि अब वो जानता है कि वेनम को कैसे मारा जा सकता है। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि हैरी अपने बदले लेने वाले वेरिएंट में आए, क्योंकि ट्रेलर में हमें डॉक्टर ऑक्टोपस भी दिखे और उस टाइमलाइन में हैरी पीटर को मारना चाहता था। और अगर ऐसा होता है तो भैया अपने फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन को बहुत दिक्कत होने वाली है इस मूवी में। फोर्थ और लास्ट पॉसिबिलिटी ये है कि हैरी मूवी में आए ही नहीं, क्योंकि मूवी मल्टीवर्स की है जिसमें अलग अलग टाइमलाइन से लोग आ भी सकते हैं और नहीं भी, जिसका एक कारण ये भी है कि स्पाइडरमैन यूनिवर्स में बहुत सारी टाइमलाइन है और सबको एक ही मूवी में लाना पॉसिबल नहीं है। अब अगर बात करें हैरी और पीटर की फाइट की तो पीटर अब हैरी को अच्छे से समझा सकता है कि उसके फादर कौन हैं और क्या करते हैं, क्योंकि करंट टाइमलाइन में ग्रीन गॉब्लिन भी है। और अगर हैरी तब भी नहीं समझा तो पीटर हैरी को बहुत गंदा मारेगा, क्योंकि पीटर के पास अब टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी और साथ में इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी बड़ी फाइट्स का एक्सपीरियंस भी है। लेकिन अगर हम बात करें वेनम और स्पाइडरमैन की फाइट की तो वो फाइट थोड़ी देखने लायक हो सकती है, क्योंकि स्पाइडरमैन 3 में वेनम ने पीटर को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, लेकिन अब पीटर को वेनम की कमजोरी का भी पता है तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मल्टीवर्स हो रहा है, अलग अलग लोग आ रहे हैं और सब कुछ सोनी के हाथ में है तो कुछ भी हो सकता है। तो गाइज ये एक कॉन्सेप्ट था कि हैरी ऑसबॉर्न नो वे होम मूवी में आ सकता है या नहीं और उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, नहीं तो पाप लगेगा। तो गाइज ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नो वे होम की अपनी थ्योरी मेरे साथ जरूर शेयर करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।